गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज ए डिमांड एनालिसिस। क्या डिमांड? डिमांड किसे कहते हैं? डिमांड सिंपल लैंग्वेज में, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर किया जाएगा कि जो हम डिमांड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिमांड। ये मेरी डिमांड है, मेरी वो डिमांड है। मतलब हम हमारे घर में किसी को कभी बोलते हैं कि ये मेरी डिमांड है, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जब चाहिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बोलूँ कि अगर मुझे बाइक चाहिए, ये मेरी डिमांड है, तो बाइक चाहिए का मतलब क्या है कि आपके अंदर में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? तीन बातें होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो डिमांड है वो क्या हो सकती है? पूरी हो सकती है, फुलफिल हो सकती है। वो कौन सी तीन चीजें होनी जरूरी है? देखो, सबसे पहली चीज है, इसलिए हम कहते हैं डिमांड जो है वो उन तीन चीजों के बिना पूरी नहीं हो सकती है। वो कौन सी तीन चीजें हैं? पहली चीज होती है डिजायर। क्या होती है सबसे पहली चीज? डिजायर। मतलब सबसे पहले आप किसी चीज की डिजायर करते हो, ख्वाहिश करते हो कि मुझे ये चीज क्या है, चाहिए। तो सबसे पहले जो डिमांड है वो कब पूरी होगी? जब आप किसी चीज की क्या करोगे? डिजायर रखोगे, उसके साथ willingness to pay, willingness to pay, willingness to purchase या willingness to pay, अगर हम उसको pay करने के लिए ready है, अगर मेरे पास मुझे bike की demand है और मैं pay करने के लिए ready नहीं हूँ और उसको मैं purchase ही नहीं करना चाहता हूँ, purchase करने के लिए उसको मैं ready नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ desire रखता हूँ कि मुझे bike चाहिए लेकिन purchase करूँगा नहीं, तो क्या डिमांड आपकी पूरी होगी? नहीं होगी। उसके साथ साथ तीसरी और एक चीज चाहिए, वो क्या चाहिए? एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे पहला जो था डिजायर, और उसके बाद में था विलिंगनेस टू परचेस, और तीसरी चीज है एबिलिटी टू पे। मतलब सबसे पहले अगर आप किसी चीज की डिमांड करते हो, वो कोई भी चीज हो, बाइक हो, फैन हो, कोई भी चीज हो, टेलीविजन हो या एलईडी एलसीडी मोबाइल हो, कुछ भी चीज हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसकी डिजायर करोगे, उसकी ख्वाहिश करोगे, देन उसके बाद उसे परचेस करोगे, परचेस करने के लिए रेडी रहोगे, और उसके बाद एबिलिटी टू पे, आपके पास उसको पे करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास में उसको पे करने की एबिलिटी नहीं है तो आप उसे परचेस नहीं कर सकते हो, और परचेस नहीं करोगे तो फिर आपका जो डिमांड है वो कंप्लीट नहीं होगा। सो डिमांड किसे कहते हैं? कि जब कोई कंज्यूमर कमोडिटी को डिमांड करता है, मतलब वो कमोडिटी को क्या करता है? परचेस करता है एक पर्टिकुलर प्राइस में या डिफरेंट प्राइजेस में ऑन अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज करता है, खरीदता है, और वो भी एक स्पेसिफिक प्राइस या पर्टिकुलर प्राइस के अंदर में या डिफरेंट प्राइजेस के अंदर में और एक स्पेसिफिक समय के अंदर में, तो उसे हम कहते हैं डिमांड। सो डिमांड का ये सिंपल सा मतलब है कि जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं, और परचेज करने का मतलब हम परचेज किसी भी चीज को तभी करते हैं जब उसकी ख्वाहिश होती है और हम उसको विलिंगनेस नहीं परचेज करने के लिए रेडी हो जाए और उतना पे करने के लिए हमारे पास में कोई चीज हो। तो मैंने कहा कि मेरी अगर डिमांड बाइक है तो बाइक के लिए मुझे पहले डिजायर चाहिए, फिर विलिंगनेस टू परचेज चाहिए, परचेज मुझे करना है, और उसके बाद में पे करने, उसके बदले जो उसका कंसीडरेशन है, उसका जो अमाउंट है वो भी हमें पे करना है। तो जब ये तीन चीजें पूरी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड। क्या कहते हैं उसको? हम डिमांड। अब हम आगे चलते हैं, डिमांड के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिमांड शेड्यूल। क्या है? डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल इज नथिंग, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल, जिसके अंदर में किसी कंज्यूमर की हुई डिमांड, उसकी जो डिमांड्स होती है पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कमोडिटीज की, उसको हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर प्राइस के अंदर में उसको हम एक टेबल के अंदर में क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या कहते हैं उसको? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ
क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, एक कंज्यूमर ने जो उसकी क्वांटिटी को डिमांड किया है, परचेज किया है डिफरेंट प्राइसेस में, तो उसका जो हम टेबल प्रिपेयर करते हैं उसी टेबल को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या कहते हैं उसको हम? डिमांड शेड्यूल। अब जो डिमांड शेड्यूल है वो हम देखेंगे दो टाइप्स में होगा, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल मतलब सिंगल। अब ये जो सिंगल शेड्यूल, सिंगल पर्सन का जो शेड्यूल के अंदर में सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर का क्वांटिटी डिमांडेड और डिफरेंट प्राइसेस में, इसका जब हम टेबल तैयार करते हैं, इसका जब हम टेबल प्रिपेयर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं उसको? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक हम एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लेते हैं कि देखो टेबल दिया हुआ है, जिस टेबल के अंदर में कुछ प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी दी है और उसकी डिमांड दी है डिमांड बाय द इंडिविजुअल कंज्यूमर। मतलब जब वो कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है 1 kg क्वांटिटी डिमांड करता है, तो उस टाइम उसकी जो प्राइस है कितनी थी, 10 rupees थी। जब वो 2 kg की डिमांड कर रहा है वहां पे उसकी प्राइस है 8 rupees। उसके बाद में 3 kg की डिमांड किया तो उसकी प्राइस है 6 rupees। उसके बाद में देखो टेबल में दिया है 4 kg की जब उसने डिमांड किया तो उसकी प्राइस है 4 rupees। 5 kg का डिमांड किया तो उसकी जो डिमांड है उसका जो प्राइस है वो है 2 rupees। तो ये है शेड्यूल के मतलब एक कंज्यूमर का, उसने जो पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज किया अलग अलग प्राइसेस के अंदर में, तो उसको जब हमने टेबल में रिप्रेजेंट किया, टेबल में प्रेजेंट किया, तो उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं इसको? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट टाइप है, दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या? एक मार्केट के अंदर में डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं, वो मार्केट के सारे कंज्यूमर्स का जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड, जितना भी क्वांटिटी उन्होंने क्या किया, डिमांड किया डिफरेंट प्राइसेस में, तो ऐसे डिटेल या ऐसी इंफॉर्मेशन को हम जब टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कंज्यूमर्स की, एक मार्केट के अलग अलग कंज्यूमर की जो डिटेल इंफॉर्मेशन हम एक टेबल में फिल करते हैं, टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। हमारे सामने एक एग्जांपल के लिए मैंने एक टेबल शो किया हुआ है, टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर में मैंने दिखाया है कि एक कमोडिटी है जिसकी अलग अलग प्राइजेस दी है, प्राइजेस उसकी दी है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाली जो लाइन है उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 10 rupees उसकी प्राइस है, 8 rupees, 6 rupees, 4 और 2 अलग अलग डिफरेंट क्या दिए उसके प्राइजेस दिए हुए हैं। उसके बाद में अगला जो कॉलम हमने बनाए हैं वो है 3 consumers के, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। तो तीनों भी कंज्यूमर ने अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी को क्या किया है, परचेज किया है, डिमांड की है, तो वो उनके शेड्यूल के अंदर, वो शेड्यूल के अंदर में क्या हुआ है, दिखाया हुआ है। देखो उसके अंदर में 5 ए कंज्यूमर का डिमांड है 5, 10, 15, 20 और 25, बी का डिमांड दिया है एंड सी का डिमांड दिया है, लास्ट में एक कॉलम दिया है दैट इज टोटल, दैट इज मार्केट डिमांड, जहां पे 3 consumer एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, क्योंकि एक मार्केट के अंदर में सिर्फ 3 consumers नहीं होते हैं, वहां पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने 3 consumer का एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर में हमने बताया है कि किस तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है, शो किया जाता है, बनाया जाता है। तो देखो फर्स्ट में ए बी सी का जो जब प्राइस था 10 rupees, ए का उस टाइम डिमांड था 5, फिर बी का था 10 और सी का था 15 units, तो इनका जो टोटल डिमांड हुआ वो टोटल डिमांड कितना हो गया, 30। उसके बाद में फिर 8 rupees के प्राइजेस में जो तीनों का प्लस किया तो इनका जो डिमांड हुआ वो कितना डिमांड हो गया, 45। फिर उसके बाद जब 6 rupees इनका प्राइस था तो उसका जो डिमांड है वो कितना हो गया, 60 units, 60 kgs। तो इस तरीके से जो हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टेबल के अंदर में डिफरेंट कंज्यूमर्स का, एक मार्केट के अलग अलग कंज्यूमर्स का, तो उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये था हमारा टॉपिक डिमांड एनालिसिस का, जिसके अंदर में हम लोगों ने डिमांड एनालिसिस, डिमांड का मीनिंग, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल
इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व के बारे में, ठीक है।